हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज डॉक्टर यासिर त्यागी, BAMS थर्ड ईयर स्कॉलर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कैरीपिल टैबलेट के बारे में, इसके यूसेज, उपयोग, प्राइस, डोसेज एंड साइड इफेक्ट के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो में बने रहें। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। कैरीपिल टैबलेट मुख्य रूप से डेंगू या अन्य प्लेटलेट प्रभावित करने वाली बीमारियों के मामले में कम प्लेटलेट काउंट के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। कैरीपिल अनिवार्य रूप से कैरिका पपीते के पत्ते का अर्क है और इसमें एंजाइम पेपेन होता है जो प्रकृति में प्रोटियोलिटिक और गैर जीवित प्रोटीन को पचा सकता है। कैरिका पाचन में सुधार करती है, जबकि पेपेन का उपयोग कम पाचन विकारों के इलाज के लिए किया जाता है। यह टैबलेट डेंगू और चिकनगुनिया वायरल बुखार के इलाज में बहुत उपयोगी है, जो मच्छरों द्वारा होता है। दोस्तों, अब इसके कंपोजिशन के बारे में बात करते हैं। कैरिका पपीता लीफ एक्सट्रैक्ट 1100 mg। पपीते के पत्ते का अर्क डेंगू बुखार के इलाज के लिए एक प्रभावी उपाय है और प्लेटलेट काउंट को बूस्ट करने में मदद करता है। दोस्तों, अब इसके कुछ उपयोग के बारे में बात करते हैं। यह दवा का उपयोग चिकनगुनिया और डेंगू बुखार से पीड़ित रोगियों के लिए प्लेटलेट की घटी हुई संख्या का इलाज करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग इंडाइजेशन, सूजन आदि के इलाज के लिए भी किया जाता है। यह मेटाबॉलिज्म और कार्बोहाइड्रेट को बढ़ाने में मदद करता है। पेट के अल्सर के इलाज के लिए भी उपयोग किया जाता है। दोस्तों, अब इसके डोसेज के बारे में बात करते हैं। कैरीपिल टैबलेट का इस्तेमाल प्लेटलेट बूस्टर के तौर पर किया जाता है। दवा की प्रभावशीलता शक्ति से रोगी की गंभीर और स्थिति पर निर्भर करती है। यह रोगी के आयु, वर्ग, लिंग और चिकित्सा इतिहास के अनुसार अलग अलग तरीके से काम करता है। डॉक्टर द्वारा निर्धारित अनुसार दवा की खुराक का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। कैरीपिल टैबलेट और सिरप के रूप में उपलब्ध है और इसे डॉक्टर द्वारा निर्धारित अनुसार लिया जाना चाहिए। कैरीपिल को भोजन के साथ या बाद में लेना चाहिए, क्योंकि यह पेट की खराबी को ठीक करने में मदद करता है। टैबलेट को पूरी तरह से पानी के साथ लिया जाना चाहिए और इसे कुचला, तड़का या चाय नहीं जाना चाहिए। सिरप के मामले में बोतल को अच्छी तरह से हिलाना चाहिए। दवा हर दिन एक ही समय पर लेनी चाहिए। दोस्तों, अब कैरीपिल टैबलेट के कुछ साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, कैरीपिल टैबलेट के कुछ सामान्य दुष्प्रभाव की बात करें तो इसमें मतली, चक्कर आना और सूजन शामिल है। कम आम दुष्प्रभाव जैसे कि एलर्जी प्रतिक्रिया, पेट दर्द, सांस फूलना, चकत्ते, आँखों में लाली होना, मुंह या जीभ में सूजन होना मिले। दोस्तों, अगर कैरीपिल टैबलेट के प्राइस की बात करें तो दोस्तों इसका प्राइस 456 रुपए प्रति 10 टैबलेट का निर्धारित किया गया है। उम्मीद है दोस्तों हमने आपको कैरीपिल टैबलेट के बारे में सभी जानकारी दे दी है। फिर भी अगर आप और अधिक जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम उसका शीघ्र जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें और उसके पास वाले बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।